नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम को संबोधित किया। संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुंचने का एक बड़ा माध्यम बन गई है जो अब तक सरकारी योजनाओं से नहीं जुड़ पाए हैं। उन्होंने बताया कि VBSY की यात्रा एक महीने से भी कम समय में 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों और कई शहरों तक पहुंच चुकी है, जहां 1.25 करोड़ से अधिक लोग मोदी के गारंटी वाहन से जुड़े हुए हैं। और क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। मुंबई जैसा महानगर हो या मिजोरम का दूर सुदूर का गांव, करगिल के पहाड़ हो या फिर कन्याकुमारी का समुद्री तट, देश के कोने कोने में मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच रही है। जिन गरीब लोगों का जीवन सरकारी योजनाओं का लाभ पाने के इंतजार में बीत गया, वो आज एक सार्थक बदलाव देख रहे हैं। किसने सोचा था कि कभी सरकारी कर्मचारी, सरकारी अफसर, ये बाबू और ये नेता लोग खुद गरीब के दरवाजे पर पहुंचकर पूछेंगे कि आपको सरकारी योजना का लाभ मिला या नहीं मिला। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी के साथ सरकारी दफ्तर, जनप्रतिनिधि, देशवासियों के पास, उनके गांव मोहल्ले पहुंच रहे हैं। अभी जिन लोगों से मेरी बात हुई है उनके चेहरे पर भी इसका संतोष दिख रहा है। मेरे परिवारजनों, आज देश में ही नहीं बल्कि दुनिया में भी मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा हो रही है। हम देश की एक बहुत बड़ी आबादी को रोजमर्रा की छोटी छोटी जरूरतों के लिए होने वाले संघर्ष से बाहर निकालना चाहते हैं, इसलिए हम गरीबों, किसानों, महिलाओं और युवाओं के भविष्य पर फोकस कर रहे हैं। 2-3 दिन पहले ही विकसित भारत संकल्प यात्रा ने अपने 50 दिन पूरे किए हैं। इतने कम समय में इस यात्रा से 11 करोड़ लोगों का जुड़ना, ये अपने आप में अभूतपूर्व है। समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकार खुद पहुंच रही है, उसे अपनी योजनाओं से जोड़ रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि देश की यात्रा बन चुकी है, और यही हमारे लिए देश की सबसे बड़ी 4 जातियां है। जब गरीब, किसान, महिला और युवा, ये मेरी 4 जातियां जो मेरी सबसे प्रिय 4 जातियां है, अगर ये सशक्त हो जाएंगे, ये मजबूत हो जाएंगे तो हिंदुस्तान को सशक्त होना पक्का हो जाएगा। हमारी सरकार चाहती है कि वर्तमान और भावी पीढ़ियों को वैसा जीवन जीना न पड़े। आपके पूर्वजों को जो मुसीबतें झेलनी पड़ी, आपके बुजुर्गों को जो कठिनाइयां झेलनी पड़ी, वो आपको झेलनी न पड़े। यही मकसद से हम इतनी मेहनत कर रहे हैं। और राजधानी दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को एक नई रफ्तार देने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की तरफ से बड़ी पहल की गई है, ताकि हर गांव को एक आदर्श गांव बनाया जा सके। इसी को लेकर अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने दिल्ली में तमाम ग्रामीण इलाकों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को विशेष निर्देश दिए हैं। इसी के तहत अब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में DM के द्वारा गाँव देहात के लोगों के साथ जनसंवाद किया जा रहा है। इसी फहरिस्त में उत्तर पश्चिमी दिल्ली
दिल्ली की डीएम अंकिता आनंद ने दिल्ली के टटेसर गांव का दौरा किया। राजधानी दिल्ली में ग्रामीण इलाके को एक बेहतर जो स्वरूप है देने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने एक नई पहल की है, और इस पहल के तहत दिल्ली के तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये एक निर्देश दिया गया है कि गांव-गांव जाकर के जनसंवाद करें और वहां की जो समस्याएं हैं, वहाँ गाँव वासी की जो जरूरत है उसको लेकर के खाका तैयार करें। तो इसी को लेकर के मैं मौजूद इस समय नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में हमारे साथ डीएमएम हैं अंकिता आनंद जी से हम जानेंगे इन्होंने किस तरीके से जो गांव का दौरा किया, पहला दौरा, और किस तरीके से वहां की जो समस्या है। मैम, आपने दौरा किया, पहला दिन रहा, किस तरीके से समस्याएँ और क्या चीज़ें निकल के सामने आई? बहुत अच्छा रहा पहला हमारा जनसंवाद जो कि हमने टटेसर गांव से शुरू किया। जनसंवाद एक बहुत ही फॉर्मल वे में हुआ और अच्छा भी रहा मेरे हिसाब से। हमने सबसे पहले जैसे कुतुबगढ़, जौंटी, निज़ामपुर में भी ऐसे कई संवाद पहले करे हैं जहां पे लोगों के बीच में जाके उनकी समस्या सुन के एक अच्छा प्लान बनाया जिससे मॉडल विलेज के रूप में उसको ढाल सके हम, जहाँ से हमने कुतुबगढ़ की शुरुआत करी। सिमिलर मैनर में अब हमने और ऑर्गेनाइज मैनर में संवाद किया, जिस प्रकार से माननीय एलजी जी के डायरेक्शंस थे, तो हमने आज टटेसर से कल शुरुआत करी। सुबह 11 बजे से आज 8 तारीख तक था पूरा। हम जितने भी अधिकारी हैं जो संबंधित हो सकते हैं उसकी डेवलपमेंट के लिए, गांव के डेवलपमेंट के लिए, सब लोग वहां पे रुके और संवाद हुआ, जिसमें शामिल थे एमसीडी के ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स, टीपीडीडीएल है, आईजीएल है, डीजीबी है, बैंकिंग से हैं, हेल्थ से हैं, एजुकेशन से हैं। तो हमने सारे विभागों को लिया और सब लोग आए और बहुत ही भरपूर पार्टिसिपेशन रही। कल शुरुआत सुबह 11 बजे से रही जहां पे सबसे पहले तो लोगों के बीच में बैठ के संवाद किया कम्युनिटी सेंटर में। लोगों ने अपनी समस्याएं रखी, कुछ लिखित, कुछ मौखिक रूप से, जो हमने बहुत ही सांत्वना से सुनी, समझी और उस पर एक्ट करने के लिए हमने उसके बाद एक फील्ड विजिट रखी। लोगों के साथ ही हम जगह जगह जाके इशूज़ देखे, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या नहीं है, उन्होंने जहाँ जहाँ पर दिखाते गए हमने वो समझी, और अलग अलग विभागों ने उसके बाद उनके बारे में देख के फिर एक सुझाव ला के हमारे सामने शाम को रखा। तो हमने उसके बाद विभागों के साथ एक रिव्यू लिया जो कि चला लगभग शाम को 8 बजे तक, जहां पे हमने एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया। बहुत सारा स्टैटिक डेटा है, बहुत सारे प्रोजेक्टेड प्लान्स हैं। तो अब जब ये क्या क्या चीज़ें ढल के आएंगी, कुछ INFC के ऑलरेडी अंडर प्रिपरेशन स्टेज हैं प्लान्स विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिटी सेंटर का रिनोवेशन एक्सेट्रा। इसके अलावा बच्चों ने खेल परिसर एक्सेट्रा की भी डिमांड करी, तो वो भी हम देख रहे हैं किस प्रकार से प्रोजेक्ट पूरे प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। फिर आज सुबह भी 7 बजे उनके साथ फिर से संवाद किया, जहाँ पे उनको दिखाया गया, बताया गया, पूरा समझाया गया किस प्रकार से हमने खाका तैयार करा है, उनके सारे सुझावों को इंक्लूड करके। उसके बाद भी एक आध लोगों के जो सुझाव आए वो हमने इंक्लूड करे, और उनको जितनी भी हमारी विभागों की स्कीम्स हैं वो बताई गई। अच्छा मैम, जिस तरीके से जो गांव को एक आदर्श गांव बनाने की जो योजना के तहत उपराज्यपाल जी के जो एक नया तरीका है, क्या लगता है इस जनसंवाद से कितना ग्रामीण लोगों के लिए कितना कारगर साबित होने वाला है? जनसंवाद बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, और हमारे जो गांव में पूरा एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का, एक पूरे देश का दिल बसता है जो कहते हैं, तो गांव में जहां पे लोग रहते हैं, जहां उनको रोज़मर्रा के जीवन में जो जो समस्याएं सामने आती है उनकी आवाज़ सुने बगैर कोई प्लान बनाना बिल्कुल ही सही नहीं रहेगा। तो उनकी हमने आवाज़ सुनी और उन्होंने बहुत ही एप्ट और बहुत ही सही चीज़ें बताई जिससे हम भी एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेबल चीज़ बना पाएंगे और ये बहुत ही यूज़फुल होगा। तो ये थे हमारे साथ नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट डीएम अंकिता आनंद जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो ग्रामीण इलाके में जो विकास कार्य होने हैं उसको लेकर के अब उनकी समस्याओं को सुना जाए और वहाँ की जरूरतों के हिसाब से ये जनसंवाद किया जाए ताकि उसी हिसाब से ग्रामीण इलाके में विकास कार्य को आगे बढ़ाया जाए। अजीत कुमार, इंडिया वॉइस, दिल्ली। और झारखंड बीजेपी अध्यक्ष और पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी ने ईडी अधिकारियों की सुरक्षा पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर ईडी अधिकारियों कर्मचारियों पर उसी तरीके से हमले की आशंका जताई है जैसा पश्चिम बंगाल में देखा गया। उन्होंने पीएमओ, गृह मंत्रालय, ईडी निदेशक, झारखंड पुलिस और अन्य को टैग किया है। उन्होंने दावा किया है कि कुछ दिन पहले 5 जनवरी को हमले के लिए जाल बिछाया गया था। मरांडी ने कहा है कि उन्हें जानकारी मिली कि इस काम के लिए कुछ सुपारी गुंडों को काम पर रखा गया है। बंगाल में ईडी पर हुए हमले को लेकर झारखंड में भी सियासत तूफान मार रही है। बीजेपी नेता ईडी पर हुए हमले को लेकर सियासी निशाने हेमंत की सरकार पर साध रहे हैं, ये कहते हुए कि ईडी के अफसरों को झारखंड में भी फंसाने की साजिश पहले ही रची जा चुकी थी मगर ऐसा हो ना पाया। तो वहीं हेमंत की सरकार के नेता ईडी के बहाने केंद्र पर सियासी निशाने साध रहे हैं।
सियासी बयानबाजी पर बाद में आते हैं, मगर उससे पहले जरा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है वो देखिए। बाबूलाल मरांडी लिखते हैं, ईडी अफसरों को झारखंड में फंसाने के लिए पूर्व में अनेकों कुचक्र रचे गए, जिसका उद्घाटन पुख्ता प्रमाणों के साथ हो चुका है। बंगाल की तर्ज पर झारखंड में भी ईडी के अधिकारियों पर जानलेवा हमले की पूरी तैयारी थी, लेकिन बंगाल की घटना के बाद भ्रष्टाचारियों के नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया। यानी सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप के बीच ईडी पर हुए हमले और साजिश का जिक्र करते हुए बीजेपी ने सीधे तौर पर यह दावा कर दिया कि ईडी के खिलाफ ऐसी ही प्लानिंग झारखंड में भी तैयार की जा रही थी। बकायदा जेल से इस षड्यंत्र के तार जुड़े होने और खुलासे के बाद दूध का दूध पानी का पानी होने का जिक्र किया जा रहा है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर जेएमएम कैसे वार पर पलटवार कर रही है, अब वो भी सुनिए। इसको कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। सभी जगह पैसे पकड़ा रहे, 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़ पकड़ा रहे, स्कैम पे स्कैम कर रहे हैं, गरीबों का चावल भी बेच दे रहे हैं, कट मनी सट मनी इसका जो है बंगाल में आपको पता है कैसा है, उसी तरह से तमिलनाडु में आपने देखा ईडी के अधिकारियों के ऊपर ही करप्शन का चार्ज लगा दिया। तो पूरे जितने भ्रष्टाचारी हैं वो सभी परेशान हो गए हैं। माननीय मोदी जी का जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा का जो नारा है वो सक्सेसफुल नारा हो रहा है और उस पर जनता उनको समर्थन दे रही है, इस कारण से ये समस्या चल रही है। और ये केवल महीने दो महीने की बात है, जब मोदी जी तिवारा इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे ये जितने चोर हैं सभी घर के अंदर चले जाएंगे। प्रकरण हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं दिन में क्या हो रहा है, पूरे देश में इस तरह का प्रकरण चल रहा है, लेकिन हमारी सरकार जनता पर समर्पित है, जन भावनाओं का आकांक्षा देकर काम करते जाए, उससे हमारी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही हम कहना चाहेंगे। जवाब क्या, संवैधानिक नियम के अनुसार ही होगा, हम तो कोई पत्थर और ढेला के बात नहीं करेंगे। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत अगर हमको लगता है कि हमारे पास अन्याय हो रहा है तो न्याय के लिए हम गुहार लगाते हैं, यही बात हो सकती है। इसलिए हम संविधान पर विश्वास करते हैं और संविधान में जो हमें ताकत दिया उसी आधार पर हम काम करेंगे। हमारी है कि हमारे यहाँ पर सरकार में आज भी हम कहते हैं संख्या बल ही देखा जाता है, हमारे यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम नहीं है। देखिए 100% ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी। हेमंत सोरेन जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, थे और आगे भी रहेंगे। ये झारखंड की जनता ने जनादेश दिया है, किसी के रहमो करम पर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बना। हम झारखंडियों की इच्छा थी, हम झारखंडियों की चाहत थी और उसी का प्रतिफल है एक युवा मुख्यमंत्री देश का सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री बना। तमाम कोशिशें हो रही हैं, षड्यंत्र हो रहे हैं, लेकिन न हम कोशिशों से घबराएंगे न षड्यंत्र से घबराएंगे। हम तमाम चक्रव्यूह को भेद कर और इस कार्यकाल को तो छोड़ दीजिए, आने वाले 2-3 कालखंडों तक किसी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है। देखिए जनादेश तो बिल्कुल मिला था मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को, पर क्या यह जनादेश या आदिवासी मूलवासी जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने के लिए मिला था? क्या यह जनादेश अवैध खनन का नंगा नाच करने के लिए मिला था? क्या यह जनादेश उनको जमीन की 10,000 करोड़ का रांची ही सिर्फ एक जिले की बात करें तो लूट कराने के लिए मिला था? क्या यह जनादेश उनको अपने कार्यकाल के 10,000 इलीगल ट्रांसफर पोस्टिंग कराने के लिए मिला था? क्या उनको यह जनादेश अपने ही रिश्तेदारों को और अपने ही सगे संबंधियों को लीज देकर उपकृत करने के लिए मिला था? मुख्यमंत्री जी ने जनादेश का अपमान किया है और हमारा मानना है। खैर, ईडी पर हुए हमले से पहले ही सियासत झारखंड में हावी हो रही थी, मगर अब इस हमले का असर झारखंड की सियासत पर भी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यकीनन मामला बड़ा है, ऐसे में हेमंत के खिलाफ जांच की आंच के बीच इस विवाद पर सियासत क्या रंग लेती है देखना बाकी है, मगर इतना जरूर है कि बीजेपी ये जतलाने की कोशिश कर रही है ये लड़ाई भ्रष्टाचार के खिलाफ है। ऐसे में हेमंत डरे हुए हैं और ईडी खतरे की जद में। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। वही राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, प्राथमिक शिक्षक संघ, आयकर, पोस्टल और दूर
दर्शन और सैकड़ों की संख्या में केंद्र और राज्य सरकार के सेवारत और सेवानिवृत्त श्रम संघों द्वारा 4 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल की शुरुआत सुबह चारबाग स्टेशन पर हुई। इस क्रमिक भूख हड़ताल के दौरान लंच के समय में हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कर नेताओं के भाषण सुने और अपना समर्थन दिया। और लोकसभा चुनाव का अभियान अब केंद्र से चलकर राज्यों में पहुंच चुका है, जिसमें उत्तराखंड के भीतर भी बीजेपी ने अपने इस चुनाव अभियान को तेज करने की शुरुआत कर दी है। पार्टी की तरफ से पार्टी नेताओं की जिम्मेदारी तय कर दी गई है, जिसमें संसद से लेकर बूथ स्टार तक, बूथ स्तर से लेकर पन्ना प्रमुख तक सभी की जिम्मेदारी तय हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पंचायत प्रमुख से लेकर संसद तक की सहभागिता होगी। पार्टी के 7 मोर्चे है और प्रत्येक मोर्चे की अपनी अलग अलग भूमिका होगी। हर मोर्चे पर अपने अपने अभियान को लेकर कार्यक्रम करेंगे, जो कि 31 मार्च 2024 तक निरंतर जारी रहेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी ने पहले 75% मत प्रतिशत हासिल करने का लक्ष्य चुनाव में रखा था और अब उसे अपग्रेड करते हुए हर लोकसभा सीट पर 5 लाख से ज्यादा मतों से सीट जीतने पर लक्ष्य जो है वो निर्धारित कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव का अभियान अब केंद्र से चलकर राज्यों में पहुंच चुका है, जिसमें उत्तराखंड के भीतर भी बीजेपी ने अपने चुनाव अभियान को तेज करने की शुरुआत कर दी है। पार्टी की तरफ से नेताओं को जिम्मेदारी तय कर दी गई है, जिसमें संसद से लेकर बूथ स्तर तक, बूथ स्तर से लेकर पन्ना प्रमुख तक सभी की जिम्मेदारी तय हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी पंचायत प्रमुख से लेकर संसद तक की सहभागिता होगी। पार्टी के 7 मोर्चे हैं और प्रत्येक मोर्चे की अपनी अलग एक भूमिका होगी। हर मोर्चे अपने अपने अभियान को लेकर कार्यक्रम करेंगे, जो 31 मार्च 2024 तक निरंतर जारी रहेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी ने पहले 75% मत हासिल करने का लक्ष्य रखा था और अब इसे अपग्रेड करते हुए हर लोकसभा सीट पर 5 लाख से ज्यादा मतों से सीट जीतने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बीजेपी के इन सपनों को विपक्ष की तरफ से मुंगेरी लाल के हसीन सपने करार दिए जा रहे हैं। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी दलों की चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है, जिसमें बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी अपने नेता पदाधिकारी की जिम्मेदारी तक आम जनता को पार्टी के प्रति लामबंद करने का काम कर रहे हैं। चुनावी वर्ष में राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप के साथ जीत के दावे भी सामने आ रहे हैं, जिसमें बीजेपी ने बड़ा दावा करते हुए राज्य के 5 लोकसभा सीटों पर 5-5 लाख से ज्यादा के मतों से जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी का दावा है, संगठन जिस प्रकार से काम करता है, संगठन के कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जिस प्रकार से जनता के साथ जुड़े हैं, उसे बीजेपी को चुनाव में बड़ी जीत हासिल होगी। बीजेपी का दावा है कि विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, इसीलिए इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चों की अलग अलग भूमिका है। अनुजाति मोर्चा है, वह अनुजाति वर्ग में जाएगा, ST ST में जाएगा, महिला सामूहिक महिलाओं की चिंता करेगा, युवा की चिंता करेगा। सब प्रकार 7 प्रकार के मोर्चे हैं, सभी अपने अपने अभियान को लेके गति देंगे और सभी ने ही अभी से लेकर मार्च तक का अपना प्रोग्राम बनाकर पेश किया गया है और उनको बताया गया है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास करती है और कार्यकर्ताओं के माध्यम से ही जन जन तक पहुंचने का काम करती है। हमारे कार्यकर्ता जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, प्रवास कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं के माध्यम से, लाभार्थियों के माध्यम से जन जन तक पहुंच रहे हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा कार्य वर्षों से चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जो एक महत्वपूर्ण बैठक देहरादून में हुई और उस बैठक में एक निष्कर्ष निकाला गया कि प्रत्येक लोकसभा सीट में हमको कम से कम 5 लाख से अधिक मतों के अंतर से जीतना है। कांग्रेस की तरफ से बीजेपी के इन लक्ष्य को मुंगेरी लाल के असीन सपने बताने का काम किया जा रहा है, जिनमें कांग्रेस का मानना है कि जनता बीजेपी को सबक सिखाने के लिए तैयार है और चुनाव का इंतजार हो रहा है। बीजेपी मेरे एक पॉइंटेड प्रश्न का उत्तर आपके माध्यम से दे दे तो मुझे खुशी होगी। बीजेपी केवल ये स्पष्ट करे कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर के नियुक्ति की प्रक्रिया से बाहर क्यों किया। विपक्ष
मिलना चाहता है चुनाव कमीशन से, अपनी बातें रखना चाहता है, समय क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसको स्पष्ट कर दे। दूसरा, पोस्टल बैलेट में एक पार्टी बहुत भारी बहुमत से आगे जा रही होती है, उसको देने वाला भी एक व्यक्ति है, इसी प्लेनेट का रहने वाला है और ईवीएम में वोट देने वाला भी इस धरती पर। तो एक पक्ष तो जो पोस्टल में, उसमें तो कांग्रेस बहुत आगे चले जा रही है, कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि सैंपल ही चेंज हो गया। तो हमारा ये कहना है कि जिन देशों ने ईवीएम बनाया, उन्होंने ईवीएम से वोटिंग बंद करा दी, उन्होंने अब बैलेट पेपर पे आ गए, तो आप भी बैलेट पे आइए, पता चल जाएगा कि 400 से पार या 4 से नीचे। लोकसभा चुनाव में अभी समय बचा है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने जीत का दावा जरूर कर रहे हैं और सियासी दलों के इन दावों के पीछे पार्टी संगठन के कर्मठ कार्यकर्ताओं की मेहनत बताई जा रही है। लेकिन चुनाव में जीत का सेहरा किसके सिर पर होगा, ये तो जनता जनार्दन ही तय करेगी और बताएगी, क्योंकि जनता अभी खामोश है। अभय कैंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। और उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यूपी जोड़ो यात्रा के 18 दिन 11 जिलों और 16 लोकसभा का सफर और जनता के संवाद के बीच हुई चर्चा पर लोकसभा लखनऊ स्थित कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अजय राय ने कहा है कि प्रदेश की जनता से जुड़ने और भाजपा की नफरत की राजनीति की वजह से टूटी सामाजिक संरचना को जोड़ने, केंद्र और प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी, अक्षमता, अयोग्यता, विफलता को जनता के बीच उजागर करने और जनता को जागरूक करने का प्रयास किया गया। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से महिला विरोधी है। एक इनके विधायक जो सोनभद्र से विधायक रहे, राम दुलार गौड़ दुद्धी से, वो पास्को एक्ट में 2014 में जब प्रधान थे तब उसने एक बच्ची के साथ बलात्कार किया था, उस समय मुकदमे लगे थे और उनको माननीय कोर्ट ने उनको सजा दी है अभी महीना पहले, 20 दिन 25 साल की, और वो जानते हुए भाजपा ने ये बलात्कारी है और पास्को एक्ट वाला है, उसके बाद भी 2022 में उसको विधानसभा का टिकट दिया और विधायक बनाया। ये भाजपा का ही पूरे तरीके से, भाजपा इसमें जवाब नहीं दे पाई क्योंकि जान रहे हो कि ये आदमी गलत है, उसके बाद ये अपने टिकट दिया, विधायक बनाया, न जानते, जान रहे हो कि मुकदमे दर्ज है और उसके बाद कहते मतलब नहीं है। खबर नोएडा से है जहां नामचीन बिल्डरों पर पांचवें दिन भी आईटी की रेड जारी है। बता दें कि तकरीबन 500 करोड़ की कैश ट्रांजेक्शन पकड़ी गई है, 5 करोड़ कैश, 7 करोड़ की ज्वेलरी भी बरामद की गई है। वहीं लॉजिक्स एडवांस ग्रुप 108 और भूटानी के साथ ब्रोकरों के यहां छापेमारी चल रही है। अभी भी 2 दिन रेड जारी रहने की आशंका जताई जा रही है। खबर संभल से है जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जुनावाई पर प्रभारी डॉक्टर के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन का धरना समाप्त करना जनपद संभाले के एसीएमओ पहुंचे, संभल के एसीएमओ पहुंचे, लेकिन वार्ता के दौरान जो कहा उसे लेकर वो खुद विवाद में फंस गए। वहीं एसीएमओ का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो किसानों से कह रहे हैं कि ऐसा कोई विभाग नहीं जहां सुविधा शुल्क नहीं लिया जाता हो। वहीं सीएमओ डॉक्टर तरन्नुम रजा ने पूछा गया, उन्होंने वीडियो को लेकर अभिज्ञता जाहिर की। खबर जालौन से है जहां पुलिस ने चेकिंग में अवैध गांजे से भरे कंटेनर ट्रक को पकड़ लिया है। बता दें कि पकड़े गए कंटेनर ट्रक से पुलिस ने 3 क्विंटल 2 किलो अवैध गांजा बरामद किया है, साथ ही 2 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है। वहीं पकड़े गए गांजे की मार्केट में करीब 45 से 50 लाख कीमत है। मामला जालौन के कदौरा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। खबर महोबा से है जहां महोबा मुख्यालय में पुलिस से बेखौफ दबंगों ने कई राउंड फायरिंग कर दहशत फैला दी। बता दें कि आपसी रंजिश में फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया। दबंगों की करतूत कैमरे में भी कैद हुई है जिसमें दबंग खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। इस फायरिंग से लोगों में अफरा तफरी मच गई है। आरोप है कि पुराने विवाद में रंजिश के चलते पीड़ित परिवार के दरवाजे पर फायरिंग कर जानलेवा हमला किया गया है जिससे पीड़ित परिवार दहशत में है। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अज्ञात हमलावरों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है और पुलिस हर पहलू से जांच पड़ताल करने में जुट गई है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, खबरें लगातार जारी है, देखते रहें इंडिया वॉइस।